हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी के एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्यों भाई, मैं ठीक हूं ना। चलिए, अच्छी बात है। तो हम लोग अपनी क्लास में आज सिंपली अपना क्या कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज अर्थात SI। तो साधारण ब्याज में हमने पहली क्लास आपको बेसिक दे दिया है, तो आपने उसको डिस्कस कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो अगर हम बात करेंगे आज अपनी अगली क्लास के लिए, तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग अब बेसिक फार्मूला जानने के बाद आज जरा सवाल और जवाब की शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग फटाफट। और ये टॉपिक का PDF तो सभी को मिल चुका है ना भाई। जिस किसी को नहीं मिला होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके पास टेलीग्राम की है, व्हाट्सअप की है, चाहे जिस ग्रुप में आकर के आप जुड़िए और अपना PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आपके पास रहे। फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए जितने आवश्यक प्रश्न वो लिखता चला जाऊंगा, ताकि आप समझते चलें और आपको बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा ही समझ में आए अच्छी तरीके से। चलिए, तो आज सीधे हम लोग सवाल जवाब की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने आपको पढ़ा दिया, आज क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। तो देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फ्रेंड्स कि 750 रुपये का, तो ज़रा यहाँ लिखना रुपये कितने भाई, 750 रुपये का SI यानी साधारण ब्याज SI 3 महीने में 22.50 रुपये हो जाता है, हो जाता है तो ब्याज की दर, तो यहाँ पे प्रश्न है, तो ब्याज की दर आप समझते हैं, ब्याज की दर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या होगा, यह हम सबको बताना है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर ये छोटा सा प्रश्न आ गया तो इसे कैसे डिस्कस करना, आपको ये बात समझनी होगी। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता है, पी फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको पता है, जिनका बेसिक छूटा होगा पार्ट 1 देख लेंगे ताकि सारी चीज़ आपको क्लियर रहे। का 3 महीने, तो ये 3 महीना किसका मान हो गया भाई, टी का मान हो गया, 22.50 रुपये, तो ये क्या हो गया आपका SI हो गया। आर आपको फाइंड करना, आपको याद है कि आपने पढ़ा था कि आर बराबर होता है SI इंटू 100 अपान पी इंटू टी। क्यों भाई, याद है ना सबको। तो चलिए इसे सॉल्व करिए, देखिए कैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए डिस्कस करूंगा तो सारी चीज़ें आपको पता है, SI पता हो गया, पी पता हो गया, टी। अब यहाँ देखो, टी का जहाँ तक प्रश्न है तो आपको याद रहना चाहिए कि मैंने सिखाया कि टी हमेशा किस में होगा, वर्ष में होगा। तो जब टी वर्ष में होगा, अगर महीने में दिया है तो क्या पढ़ा आपने, महीने की संख्या बटे 12 यानी 12 होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ 3 3/12 लिखिएगा तो नो डाउट आपका यह 1/4 वर्ष आ जाएगा। बोले समझ में आ गई आपको बात। अब आप आराम से अपना आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। बताइए यहाँ से आपके पास SI है 22.50 इंटू 100 बटे, पी की वैल्यू ज़रा बता दीजिए 750 यानी 750 इंटू टी 1/4। तो देखो 1/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, तो मैं यहाँ 4 ऊपर लिख देता हूँ। ज़रा एक बात बताओ कि अगर इस 2250 में डिस्टेंस 22.50 में 100 का गुणा करोगे तो 0.5 हट जाएगा। जब ये 0.5 हट जाएगा तो बहुत आराम के साथ, ये 0.5 हट गया तो निश्चित तौर पे आपके पास कितना आ जाएगा, चलिए एक लाइन में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 225/75 और ऊपर गुणे 4 तो है, वो पड़ा रहेगा बराबर। ये कैसे हुआ पता हो गया ना, ये 100 से गुणा किया तो 0.5 गायब हो गया, फिर 0 से 0 मैंने काट दिया तो 225/75 रह गया। आप सभी को पता है 3 5 15, 3 7 21 22, यानी 75 3 225 और 3 × 4 का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 3 12% आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर आपको, आगे बढ़ूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फटाफट आप इसे कॉपी करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, सवाल आप लोग अच्छी तरीके से लगाइए। एक ही बात कहता हूँ कि देखो, हमेशा आप सभी फ्रेंड्स को अपनी सोच को बड़ी रखना है, बहुत सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए।
बाकी चाहे जो हो। और याद रखना, व्यक्ति का स्वार्थी होना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना स्वार्थ देखना बहुत बड़ा बुरा है। यानी जब भी आप किसी से कोई उम्मीद करें तो ज़रा ये भी समझ लें कि आपने उसे क्या दिया। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 4 समझना है फ्रेंड्स, और ये देखूंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ज़रा इसे लिखना। आपके SSC का पूछा हुआ रुपये यहाँ पे है 7300 7300 रुपये की, तो यहाँ पे लिख लो 7300 रुपये की 5% 7300 रुपये की 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 11 मई 2017 से 18 सितंबर 2017 तक, ब्रैकेट में लिख लेना, दोनों दिन सम्मिलित, दोनों दिन सम्मिलित, ब्रैकेट को क्लोज करना है, सम्मिलित का SI कितना होगा। ये प्यारा सा प्रश्न आ गया। अब देखो मेरे मित्रों, अगर ऐसा सवाल पाओगे तो क्या करना, पहले देखो क्या क्या दिया आपको। तो बहुत ही मज़े की बात है कि आपको ये P का मान दिया, आप तो एग्री इस बात से ना, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल पता है यानी मूलधन पता है, R दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R की वैल्यू हमें क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो 11 मई 2017 से लेके 18 सितंबर 2017 है, तो ये हमारे पास T है। हमसे क्या पूछा गया है, SI पूछा गया। आप हमें ये बताइएगा कि आपने क्या पढ़ा है, नॉर्मल सा फार्मूला SI बराबर PRT बटे 100, याद है ना सब। अब आप मुझे बताओ कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर है, P पता है, R पता है, T को लेके थोड़ा सा डाउट है, तो T को पहले क्लियर करो। T बराबर देखो क्या लिखा है, 11 मई से लेके 18 सितंबर 2017 तक। मैंने आपको सिखाया है कि जब कभी क्वेश्चन में ब्याज के लिए जो दिन दिया जाएगा वो दिनों में होगा, तो आपको सिखाया हूँ कि कुल दिनों की संख्या बटे 365 करोगे, क्योंकि हर हाल में T को आपको कहाँ रखना है, वर्ष में रखना है। मेरी बात तो याद है। तो सबसे पहले T बराबर मुझे बताओ कि यहाँ पर आपके पास ये मई का महीना है, मई में कोई व्यक्ति लेके उधार जाएगा, मई कितने दिन की होती है, 31 दिन की होगी, तो ये मैंने मई लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, दोनों दिन सम्मिलित का मतलब, यहाँ एक बात समझा दूँ आप लोगों को, चलो यहाँ समझा देता हूँ। देखो ब्याज के संदर्भ में सामान्य बात यह है कि जिस दिन पैसा दिया जाता है उस दिन का आपको ब्याज नहीं देना होता, नॉर्मली जिस दिन लौटाते उस दिन का ब्याज देना होता है। सच बोलूं तो सच्ची इसकी उल्टी है, वास्तव में जिस दिन देते हैं उस दिन का पैसा लगता है ब्याज का, लौटाते नहीं लगता। गणित में आप अच्छे से समझे ना भूलें, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ना ही सोचना कि सर ने उल्टा बता दिया। गणित में हमें अपनी बात को सही समझनी होती है। तो आपने क्या सुना कि जिस दिन पैसा उधार लिया जाता उस दिन का ब्याज लगता है, जिस दिन लौटाया जाता उस दिन का नहीं लगता, लेकिन मैंने यहाँ उल्टे लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाऊँ। तो रियल क्या है कि इस दिन का पैसा आपको नहीं देना है, लौटाओगे तो देना है, लेकिन जब देने वाला, आप उधार कब लेते हैं, जब आप मजबूर होते हैं। ईश्वर न करे वो दिन आपकी ज़िंदगी में कभी आए कि आपको किसी से उधार मांगना पड़े, फिर भी सवाल में तो उधार लेना ही पड़ेगा भाई। अब सवाल की बात मैं करूंगा, तो जैसे कि मान लिया कि आपने हमसे उधार लिया, मैंने कह दिया देखो भाई गुरु चेला अपनी जगह पर है, हिसाब किताब अपनी जगह पर होना भी चाहिए, तो मैंने कह दिया कि देखो जिस दिन पैसा उधार लेके जा रहे हो मैं उस दिन का भी ब्याज लूँगा, जिस दिन लौटाओगी उस दिन का लूँगा। अब आप कहोगे सब नियम कानून, हमने कहा वो सब अलग की बातें, मुझसे पैसा चाहिए तो मेरी शर्त मानो। आपने कहा ठीक है सर, ओके दे दीजिए। यानी मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ फ्रेंड्स कि जब किसी प्रश्न में ये लाइन लिखी रहेगी दोनों दिन सम्मिलित, तभी मेरी इस बात का ध्यान रखना है दोनों दिन का, यानी जितना दिन होगा उसे एक दिन एक्स्ट्रा ब्याज देना है, वरना हमेशा आपको ऊपर वाले नियम का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को, अगर दोनों दिन सम्मिलित नहीं होता तो 31 में से हम 11 घटाते, दोनों दिन सम्मिलित होने के नाते 31 में से मुझे 10 घटाना होगा। इतनी देर से मैं यही बता रहा था, मई खत्म हो गया, चलो अब जून आ जाएगा, जून कितने दिन का 30, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा जुलाई, बोलो कितने दिन का 31,
जुलाई के बाद क्या आता है भाई, अगस्त, 31 दिन का होगा। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में आप हमारा पैसा कब लौटा रहे हैं, 18 तारीख को, प्लस 18 ऐड कर देना, तो फ्रेंड्स ये टोटल आ जाएगा 131 दिन के आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, 131 दिन कहना, इसलिए जो टी बराबर हो जाएगा फाइनली 131/365, लेकिन अब ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। क्लियर यहाँ पे। अब आप बड़े प्यार से अपने इस SI को निकाल सकते हो, तो कह देना इसलिए SI बराबर PRT/100। बोलो P का मान कितना यहाँ पे है, 7300 गुणे R का मान कितना है भाई, 5। T का मान कितना लिखे हो, 131, ठीक, 131 बटे क्या होगा, 365 होगा, और ये 100 तो रहेगा। एग्री हैं आप लोग, मुझे बताओ, जीरो से जीरो कटेगा फ्रेंड्स, और 73/25 इतना होता है ना, देखो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और 5 × 7 = 35 = 36, इन लोगों को पूरी तरह से उड़ा दो, ये 5 आ जाएगा, इस 5 से 5 को काट देना, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वह रुपया 131 आएगा, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको, समझ में आ गया। चलिए भाई फटाफट इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके समझाऊंगा। बस आप लोग मस्त होके पढ़ते रहिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट रेडी हैं आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर हम आपके लिए अब 5 यानी 5वें क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे और देखें क्या होगा। बस ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, ये जब आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो फिर मैं आपके लिए आगे बढ़ूंगा। अगले क्वेश्चन को आप देखिए कि इसे कैसे करना है। अगला क्वेश्चन जो मेरे लिए आएगा फिर पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा, मैं ज़रा आपको बताता हूँ। पांचवे में लिखा कितने समय में, यानी इसमें टी फाइंड करना है, कितने समय में 5000 रुपये का, मतलब पी की वैल्यू दी गई है 5000 रुपया, ठीक है, 5000 रुपये का 10%, यानी आर का मान 10 दिया गया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से SI 1000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल तो बिल्कुल केवल फार्मूला याद करने के लिए, फटाफट लूट लो, क्या पूछना है आपसे, टी पूछना है, तो बोलिए ना, इसलिए टी बराबर क्या पढ़ाया हूँ, SI इंटू 100 अपान पी इंटू आर बराबर, बोलो SI कितना, जल्दी बोलिए, 1000 इंटू 100 बटे पी की वैल्यू बता दीजिए 5000, 5000, और इंटू आर का मान कितना मेरे भाई, 10 है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये देखिए अपने आप बड़े इज्जत पूर्वक ये कट गया, मुझे बताओ 5 × 10 में कितना होगा, 50, बोलो 50 × 2 = 100, तो ये टी है तो वर्ष, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको, चलिए फटाफट लगाइए, मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे फ्रेंड्स के लिए क्या कहा गया। बस आराम से आप इन्हें लगाते हुए आगे बढ़िए, कोशिश आपको क्या करनी है कि कम से कम लाइनों का प्रयोग करके अपने आंसर तक पहुंचना होगा। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 6, अब देखता हूं कि ये 6वां सवाल क्या है। 6वें सवाल में लिखा है आदित्य ने 2000 रुपये कर्ज दिया, इसका मतलब पी की वैल्यू आ गई 2000 यानी 2000 रुपये, ठीक है, 3 वर्ष बाद, टी की वैल्यू 3 वर्ष दी गई है, कोई बात नहीं, 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 अधिक पाया, इसका मतलब SI हमें दे दिया गया 300 रुपये, तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है। बस अब आप ही बताइए कि ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, फटाफट लगाइए, R बराबर क्या पढ़े हो, R बराबर SI इंटू 100, SI 300 होगा इंटू 100 बटे P का मान कितना बोलो, 2000, और इंटू टी कितना भाई, 3, है ना। अब आप लोग बड़े मज़े के साथ यहाँ थोड़ा सा कटपिट करिए, तो कम से कम 2 जीरो हमने फ्रेम उड़ा दिया, यहाँ से 3 × 3 यानी 100 हो गया, और 20 × 25 = 100, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 5%, कोई डाउट तो नहीं आपको, लगाइए फटाफट। मैं 7वां सवाल करता हूँ आपके लिए और देखता हूँ कि 7 नंबर पर क्या कहा गया। कहते हो किसी धन का फ्रेंड्स यानी पी बताना है, ओके, 15% वार्षिक, तो आर का मान 15 हो गया, ब्याज वार्षिक SI की दर से 2 वर्ष में, तो टी की वैल्यू 2 वर्ष आ गई,
दो वर्ष में ब्याज यानी SI कितना दिया? 600 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा यानी P क्या होगा? देखो, हमने क्या पढ़ा कि P बराबर होता है SI इंटू 100 अपान बोली क्या होगा R इंटू T। मेरी ये बात तो याद है ना आप सबको, आगे बढ़ते रहो फ्रेंड्स। यहाँ से देखो SI हमारे पास आ गया 600, SI इंटू कर देना 100 बटे, यहाँ से R का मान कितना निकालोगे 15 और T का मान 2 30 होगा। यहाँ से क्या करो, 15 30 30 2 60 हो जाएगा, बोलो होगा तो 20 के आगे 2 जीरो लगा दीजिएगा तो करेक्ट आंसर 2000 आपका उत्तर होगा। कोई डाउट तो नहीं आप सबको? चलिए भाई, तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, आप इसे कर लीजिए, बट ये सवाल आपको आगे टफ सवाल समझने में हेल्प करेंगे। आप इसे कॉपी करिए, मैं आपके लिए आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 8वां कराने चलता हूँ। बस आप लोग इतना बताते रहना कमेंट के माध्यम से, आप सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल तो रही है ना भाई? ओके, अब मैं आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल देखता हूँ कि क्या लिखा है। 8 नंबर के प्रश्न में ये लिखा गया कि शिवम ने 3200 रुपये, तो P का मान दिया गया 3200 रुपये, ठीक है, शिवम ने 3200 रुपये, आर है 6 सही 1/2%, वार्षिक SI की दर से उधार लिया, ऋण अदायगी के 5 वर्ष के अंत में, तो T बराबर है 5 वर्ष, ऋण अदायगी के 5 वर्ष के अंत में कितना रुपया देगा, अमाउंट निकालना है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है जिसने 3200 रुपया उधार दिया, 6.5% उसको ब्याज देना है, 5 साल में पैसा लौटाना है, तो वो 5 साल के बाद कितना वापस करेगा? आप बताइए कि 5 साल के बाद वो वापस करेगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों को आपस में मिला दो तो यही तो मिश्रधन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया मिश्रधन, और मैंने आपको पढ़ाया है A = P + SI, मिश्रधन का ही फार्मूला है। अब आपने देखा कि P तो मुझे पता था, अगर SI पता होता तो कब का मेरा आंसर आ जाता, अगर SI नहीं पता है तो क्या हुआ, हम लोगों ने SI ज्ञात करने का फार्मूला तो सीखा है, तो ये हो जाएगा P प्लस इस SI का फार्मूला क्या है, P गुणे R गुणे T बटे 100, बोलो होगा। यहाँ से इसलिए फाइनली ये एक फार्मूला बना लो आप, तो ये आपका हो जाएगा A, तो P यहाँ से कामन ले लो, 1 + R × T/100, इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इस पर आपका क्वेश्चन आना है, क्लियर आपको? अब ज़रा देखिए, इसी पर सारी वैल्यूज़ को पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो, P की वैल्यू आप लिखिएगा 3200 यानी 3200, और इंटू 1 प्लस, इसे तोड़ो तो 6.5 × 12 एक 13/2 आ जाएगा, बोली आएगा ना भाई, तो 13/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 × 5, तो 2/100, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको। आगे बढ़िएगा, तो आगे बढ़ोगे तो ये देखो 3200 रहने देना आप, इंटू यहाँ से काटोगे भाई 5 * 100, देखो 20 × 2 = 40, और 40 × 40 = 43, तो सीधे लिखना 53 और 40 के 10 तो 4 × 8 = 32 यानी ये 80 आ जाएगा, 10 बढ़ा लेना तो 8 × 3 = 24 होगा, अब 8 × 5 = 40, 2 = 42 = 40, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट तो नहीं आप सभी को? चलो लगा लो, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 करने चलता हूँ। इसके बाद सारे लोग फटाफट क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद 9वें सवाल पर आप लोग आ जाइए। इस 9 नंबर के बाद आपके जितने क्वेश्चन शुरू होने पूरे चैप्टर में, सब अच्छे अच्छे हैं, आपके कंपटीशन में आए या फिर आने के लायक हैं वो, सो उनको बड़ी सावधानी पूर्वक आपको हल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि कौन सी धनराशि, मतलब P बताना है, ठीक है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष T का मान है,
पाँच वर्ष में 6500 रुपये हो जाएगी, हो कौन जाएगा, अमाउंट यानी मिश्र धन हो जाएगी। देखिए एक ऐसा प्रश्न हमें मिला है जिसमें आर पता है, टी पता है, मिश्र धन यानी अमाउंट पता है, हमें पी बताना है। मुझे बताओ अभी फार्मूला पढ़ा गया हम लोगों के द्वारा, ए बराबर पी इंटू वन प्लस आर इंटू टी बाई 100, यही ना। अब देखिए ना, ये आपको ऑलरेडी पता है कितना भाई, 6500 बराबर पी इंटू वन प्लस आर का मान यहाँ से लिखो 6 × 5/100। यहाँ से देखो इनको उड़ा देना तो 5 × 100 हो जाएगा। ये देखो 2 × 3 = 6 होगा, 2 × 10 = 20 हो जाएगा। आगे ये आएगा 6500 बराबर पी इंटू 10 × 10 = 13, 13/10। डियर स्टूडेंट्स 13×5 कितना होगा, 65 होगा, 500। ये 10 है और ये 500 है, दोनों का आपस में क्या करोगे, गुणा करोगे। इसलिए बोलो पी बराबर क्या लिखोगे, 500 में 10 का गुणा कर दीजिएगा तो करेक्ट आंसर 5000 रुपये आपका आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं आज, ये बेसिक सवाल था, बेसिक आज हमने कंप्लीट कर दिया है। आज की क्लास में यहीं तक रखूँगा, अगले टाइप में अगली क्लास में जब मैं मिलूँगा तो एक नया टाइप होगा, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालों के साथ मैं आपके साथ मिलूँगा। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।